सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस, मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, प्राइमल फियर का। और गाइस, प्राइमल फियर के पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने जो ना गाइस यहाँ पे टेम कर लिया था हमारा एकदम ओपी एंड खतरनाक सा प्राइमल वाला स्पाइनोसॉरस। गाइस, ये प्राइमल वाला जो हमारा स्पाइनोसॉरस है ना गाइस, भाई बॉस है, बेस क्या के बॉस। और इसको टेम करने का काम तुम्हारे भाई ने पिछले एपिसोड में करा था। और अभी जो ना गाइस, अगले एपिसोड में अपन ओमेगा वाले स्पाइनो को टेम करने वाले भाई। ओमेगा नहीं, सॉरी, ओरिजिन वाले भाई, ठीक है। ओरिजिन वाला जो बॉस होता है ना गाइस, उस ओरिजिन बॉस स्पाइनो को अगले एपिसोड में अपन टेम करने वाले। अबे आप बोलोगे अगले एपिसोड में तो उसको टेम करोगे, लेकिन अभी क्या करोगे आज के एपिसोड में? तो आज के एपिसोड में मैं क्या करूंगा वो आपको मैं बताऊं। उससे पहले गाइस, जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा गाइस, फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस, यहाँ पे हमारा जो गोल है गाइस, जो कि है गाइस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गाइस 1,75,000 सब्सक्राइबर का जल्द से जल्दी कंप्लीट कर देना गाइस। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है गाइस गेमिंग भी डैडी के चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उनके चैनल को जाके जरूर से चेकआउट करना। और गाइस, क्या आपने एनी का फर्स्ट व्लॉग देखा? अगर आपने नहीं देखा है तो उस फर्स्ट व्लॉग की लिंक भी जो ना गाइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके एनी का जो हमारे फर्स्ट व्लॉग है ना गाइस वो जरूर से देख लेना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी व्लॉग है गाइस। तो चले गाइस, आज का जो एपिसोड है वो बिना किसी देरी के यहाँ पे शुरू करते। और अभी आज किस एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं, आज जो ना भाई तुम्हारा भाई यहाँ पे टेम करने वाला है ग्रिफिन को। आपको पता ही होगा कि हमने जो ना गाइस अभी तक हमारा ग्रिफिन कलेक्शन जो है ना गाइस वो कंप्लीट नहीं करा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले कि मेरे पास कौन कौन से ग्रिफिन है गाइस, ठीक है। ऑलराइट, ये देखो ग्रिफिन भाई, ठीक है, रुक जाओ, यहाँ से भी सारे ग्रिफिन में वहीं पे ट्रांसफर कर लेता। ऑलराइट, ये ले बेटा सारे ग्रिफिन मेरे इन्वेंटरी से मैंने इधर ट्रांसफर कर दिए भाई, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास आइस है, उसके बाद भाई लाइट ग्रिफिन है, आइस ग्रिफिन है, उसके बाद फायर ग्रिफिन है, उसके बाद नॉक्सियस है, उसके बाद रेनबो मतलब अपना ग्रिफिन कौन है, उसके बाद स्पिरिट ग्रिफिन है, उसके बाद भाई क्योस ग्रिफिन है, उसके बाद आइस 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 एंड भाई फाइनली भाई हमारा सिलेस्टियल ग्रिफिन। तो यहाँ पे जो ना गाइस अभी तक हमारे पास जो ना गाइस इलेक्ट्रिक एंड डार्क ग्रिफिन और अल्फा ग्रिफिन और नॉर्मल ग्रिफिन भाई और एपेक्स ग्रिफिन भाई, भाई कितने ग्रिफिन बचे हुए यार, चार पांच ग्रिफिन बचे हैं क्या, पता नहीं चल रहा भाई, ग्रिफिन 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 ही चल रहा है। तो गाइस ऐसे काफी ज्यादा ग्रिफिन जो रहा है वो अभी तक हमने टेम नहीं करे, और आज के एपिसोड में जो ना भाई तुम्हारा भाई उसमें से एक ग्रिफिन को टेम करने वाला है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना गाइस आज के एपिसोड में जो ना डार्क या फिर लाइट ग्रिफिन में से किसी एक ग्रिफिन को टेम करा जाए, एपेक्स अल्फा और नॉर्मल ग्रिफिन को अपन एक ही एपिसोड में किसी में टेम कर लेंगे। लेकिन आज मेरा मन कर रहा है डार्क ग्रिफिन, क्या बोलती पब्लिक, डार्क ग्रिफिन को टेम कर ले। आ जाओ भाई, ग्रिफिन है ग्रिफिन है, क्योस और नॉक्सियस नहीं चाहिए, नॉक्सियस विक्सियस है अपने पास भाई, ठीक है, ये बचे हुए भाई, अल्फा बचा है, एपेक्स बचा है भाई, ठीक है। कॉस्टिक, कॉस्टिक भी नहीं करा, कॉस्टिक वाला भी कर लेंगे अपन, कॉस्टिक ग्रिफिन भी अपने पास नहीं है, अपने पास नॉक्सियस है लेकिन कॉस्टिक नहीं है। हमको चाहिए डार्क ग्रिफिन। ओ भाई 39 भाई, लेवल तो काफ़ी बढ़िया है यार। चलो भाई डार्क ग्रिफिन को ही कर लेते हैं, कहाँ पे है भाई? ग्रिफिन वैली, ओके लेट्स गो, लेट्स गो भाई, ये लोकेशन मेरे को बताया भाई, ग्रिफिन वैली में बैठा हुआ है भाई ये। चलो आ जाओ गाइस, ग्रिफिन वैली में चल के जो ना गाइस फटाक से यहाँ पे हमारे उस प्यारे प्यारे से मित्र को, प्यारे प्यारे से हमारे ग्रिफिन हुआ को जो ना टेम करके लेके आते हैं भाई। डार्क ग्रिफिन है भाई, और डार्क ग्रिफिन जो है एकदम फुलतू कलवा का लूंडा बना होता है भाई, ठीक है। तो उसको जो है ना गाइस यहाँ पे टेम कर, हाँ वैसे उसके पास पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा ओपी वाली होती है, देख दे। चलो आ जाओ, अभी फिलहाल के लिए इसको टेम करने के ऊपर अपन फुलतू फोकस करते हैं भाई। लोकेशन बता, 27 बोले तो इधर ही जाना है क्या? ओ इधर जाना है मेरे को। ओ ये कौन सा ग्रिफिन है, अल्फा, अल्फा ग्रिफिन, आई नो दैट ब्रो, भाई ग्रिफिन इतने ज्यादा टेम कर चुका हूँ ना, मेरे फेवरेट डायनो है भाई ग्रिफिन, हर सीरीज में कोई भी सीरीज हो उसमें हमेशा मैं ग्रिफिन टेम ही करता हूँ। अगर मेरे को बताया कि वो कहाँ पे मिलेंगे तो भाई, कहाँ पे लोकेशन है भाई, कहाँ पे? 27, ओके और इधर जाना पड़ेगा क्या? हाँ और इधर जाना पड़ेगा। ओ ये रहा क्या डार्क ग्रिफिन, तो नॉर्मल ग्रिफिन है ये रहा क्या, ये भी नॉर्मल लग रहा है, अरे डार्क ही है ये ना, 680 वाला, ये 690 देख के आता, आई थिंक मैं 680 देख के आता। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ, इस वाले डार्क ग्रिफिन को जो ना भाई टेम कर लेते हैं। वहाँ पे पता नहीं भाई उंगली कर रहा है किसी के साथ भाई, ले बेटा भाई दिख तो मेरे को बाबू जी का ठुल्लू कुछ भी नहीं रहा। ऑलराइट बेले ने सॉरी भाई, यहाँ पे थोड़ा संभल के भाई, हेलो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है क्या? अरे भाई इसका उड़ जा आसमान में, लाड़ में मेरे ऊपर अटैक कर रहा है क्या, ये कहाँ पे गया अभी, दिख नहीं रहा मेरे को, वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा गाइस डार्क ग्रिफिन, ए अटैक कर रहा है,
अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा है, अटैक करेगा, अटैक करेगा, भेज क्या गले गले। अबे एक गोली तो लग जा, एक गोली का बचा है बस। अबे मार रहा है अभी तक मार रहा है भाई, इतना ज्यादा टॉर्पर चढ़ गया फिर भी मार रहा है, बेस क्या हो गया बेहोश। चलो डन 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 अपना। अरे भाई उसको नहीं मार रहा, रैप्टर के बच्चे तुम मारी तो भागो भागो भाई। ये रैप्टर ने भाई उसकी टेपिंग इफेक्ट खा गया भाई। ये रैप्टर तुझे नाना की टंगड़ी, रुक भाई नहीं, गई भाई टेपिंग इफेक्टिवनेस, अब ब्लीडिंग अटैक भाई मेरे भाई। रोडल भी इधर आ जा भाई। ची भाई तू बातो बातो बजारा मूड खराब कर दिया भाई। किबल भाई ये ले बेटा डार्क किबल। ची भाई मूड खराब कर दिया भाई, टेमिंग इफेक्टिवनेस चली गई यार इसकी, अभी काफ़ी ज़्यादा लो लेवल का हो जाएगा यार ये, ऐसा थोड़े होता है भाई। ऐसा चीटिंग कितना कितना 97 मिल रहे फिर भी यार, उतनी ज़्यादा कम नहीं हुई, 97 मिल रहे। मेरे को लगा भाई 50-60 पे चला जाएगा, 97 इज ओके ओके भाई, उतना भी बुरा नहीं है। कितने लेवल का हो गया, 1000 प्लस। यस 1010 लेवल का डार्क ग्रिफिन गाइस, इसका लुक देखना चाहोगे गाइस, हमारे ग्रिफिन वा का लुक देखना चाहोगे आप? अरे आप भी दिखा रहा ना आपको भाई, ये देखो टडन 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 टरन 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 भाई, देख रहे हो इसके अंदर से पता नहीं भाई कौन सी डार्क एनर्जी निकल रही है। ये देखो, देख रहे हो इसके मिडल में जो ना गाइस एक डार्क ऑर्ब ऐसा लग रहा है गाइस, जिसके अंदर सारी एनर्जी जो ना गाइस खींचे जा रही है और फुल टू भाई कलवा का लोंडा बना पड़ा है भाई हमारा ये डार्क ग्रिफिन, और दिखने में भी जो ना भाई काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। अभी जो ना गाइस इससे तो मैं फुल टू मजे ही मजे करूंगा ना मेरे भाई। ओ आ जाओ आ जाओ, इसकी हेल्थ बढ़ा लेता सबसे पहले भाई, ज़्यादा नहीं भाई इतनी नफ रहेगी भाई। ठीक है ले बेटा, डैमेज में पॉइंट डाल दूंगा भर भर के, और इसको एफ एम के वाला पोशन भी खिला दूंगा मैं। डरते क्या भेज क्या, अरे ओरिजिन से फाइट भी कराऊंगा भाई, डरते क्या। आजा बेटा ले बेटा 1055 लेवल ब्रो भाई, डार्क ग्रिफिन वो भी बोलते हो। इसके पास अटैक कौन से मैंने आपको दिखाया नहीं ना गाइज, ये देखो इसके पास बाइट अटैक है, सी पे एक्स पे कोई अटैक नहीं है, लेफ्ट क्लिक पे अपने मुंह से डार्क एनर्जी बाहर छोड़ता है भाई। ठीक है ये वाला अटैक है इसके पास, और कोई भाई स्पेशल अटैक नहीं है गाइज इसके पास। बोला दो लेवल एक काम कर ले, मैक्स लेवल भी कर लेता भाई अपने लोंडे को। आ जाओ भाई हमारे ग्रिपिन को डायरेक्टली मैक्स लेवल भी कर लेते हैं, और भाई देखते हैं कि इसका डैमेज जो ना गाइस वो कितना यहाँ पे जा रहा है भाई। ठीक है ज़्यादा वैसे लेवल पॉइंट जो ना गाइस वो यहाँ पे देने बचे नहीं है भाई, 40 हो गए। ठीक है 40 मतलब लगभग 70 या 75 पॉइंट जो है ना गाइस कम से कम मैंने इसके डैमेज में डिले दिए है भाई। ठीक है आ जाओ अभी डैमेज देखना भाई, डैमेज देखना भाई इसके भाई, डैमेज देखने के लिए यहाँ पे कोई डायनो ही नहीं था। व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो भाई, ऐसा चीटिंग होएगा गेम में तो मैं नहीं खेलेगा। अरे बाबा यहाँ पे एक ओरिजिन देखा था मैंने, कहाँ पे चला गया ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन। ए पार्ट से हेडशॉट कितना, ओ भाई 38 मिलियन का डैमेज ब्रो। कौन सा ओरिजिन है वैसे, ओरिजिन कौन सा है? हेलो कार्नो सर 48 मिलियन ओ 5-5 मिलियन का गाइस मेरा ये जो ना गाइस ये जा रहा है डार्क एनर्जी वाला अटैक जा रहा है भाई। हेलो तेरे को तो मैं मार के रहूँगा भाई, इसके रुक रुक भाई रुक भाई, इस ओरिजिन स्पाइनो को तो मैं मार के रहूँगा भाई। भाई इसकी हेल्थ कमी ना हो रही है, एक मिनट रुक जाओ बड़ा तेरे को जो ना हम ब्रह्मास्त्र खिलाएंगे अभी भाई, एकदम ओपी वाला चीज़ खिलाएंगे भाई। ठीक है ले बेटा अभी आसमान में चल एंड अभी अपना डैमेज देख, अभी देखना कैसे अपना डैमेज। ठीक है किधर है कारनो, जाए भद्रकाली ओ भाई 153 मिलियन भाई, इसे बोलते डैमेज। चल आ जा वंस मोर जाए भद्रकाली। अबे यार लगाई नहीं जाए भद्रकाली, खत्म ईजी पीछे। अबे मरा ही नहीं, हेलो भाई 100 मिलियन का डैमेज दे रहा भाई, मर गया फाइनली गाइज, लेट्स गो भाई हमारा डार्क ग्रिफिन हो चुका है एकदम ज्यादा ही ओपी ना मेरे बच्ची लोग। डैमेज कितना जा रहा है, डैमेज जा रहा है 191 मिलियन, मतलब लगभग 200 मिलियन की डायू बॉम है भाई अपनी। हेलो मजाक कर रहे, और ग्रिफिन जो है ना गाइस मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट डायनो है। हाँ वो अलग बात है, रोडोल्फ आने के बाद मैं ग्रिफिन को ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना गाइस ग्रिफिन मेरा भाई एकदम फेवरेट है भाई, जिगरी यार है यार एकदम, मतलब मेरे दिल का टुकड़ा है रे भाई ये ग्रिफिन अपना। बस इनको चलाने में जो ना गाइस अभी थोड़ा सा ऐसा मतलब बोर हो जाता, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो चलते हैं। अपने रोडोल्फ अपन को कहीं पर भी पहुँचा देती यार 30 सेकंड में 10 सेकंड में, लेकिन ग्रिफिन नहीं पहुँचा सकते, लेकिन काफ़ी कूल है यार, दिखने में काफ़ी कूल है। वैसे इसका भाई अभी थोड़ा सा एफएम के पोशन खिलाया तो 28 मिलियन का जा रहा है गाइज, मुझे जो डार्क एनर्जी छोड़ता है ना वो वाला अटैक भाई 28 मिलियन का जा रहा है बे, खतरनाक ओपी बोलते ब्रो। लेट्स गो ब्रो भाई, चेप डालेंगे सबको ब्रो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, इधर आना भाई मर जाना। ओके नाइस वन, ओके लुढ़क गया, 28 मिलियन का फटका पड़ रहा है। ओ यस भाई, ए किसी एक और ओरिजिन को मारने का काम कर ले गाइस, क्या बोलती पब्लिक, एक और ओरिजिन को चेपे
आ जाओ भाई, आ जाओ 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 जाओ। रैप्टर वा को जिपते भाई, रैप्टर वा थोड़ा सा छोटा पड़ेगा बट कोई ना भाई। ओके ठीक है भाई, थोड़ा सा कम डैमेज पड़ा, आई थिंक 9 मिलियन का ही पड़ा। डाई बॉम्ब लगी नहीं ना, पत्थरों के बीच में स्पॉन कर दिया यार, वो मैंने गलती कर दी। थोड़ा डाई बॉम्ब वहाँ पे लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा भाई, बट फिर आ मर गया। दो डाई बॉम्ब में पेटी भाई, ओरिजिन रैप्टर की तुम्हारे भाई ने दो डाई बॉम्ब में पेटी बना डाली, मतलब मजाक कर रहे हो ब्रो। भाई हमारा डार्क ग्रिफिन किसी से कम है क्या भाई, काफी ओपी है यार अपने डार्क ग्रिफिन। गाइस आपको हमारा ये प्यारा सा, ए हेलो कौन बम चिकी 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 बम बम, कौन है? फिरॉक्स, ए चितंगड़ी फिरॉक्स के, रुक ए टापे जरा टेम ना कराना अपन ने, मैंने टेपे जरा टेम नहीं करा अभी तक भाई, रुकना भाई रुक जा। ये फिरॉक्स को जो है ना अभी ठीक करके देता पट से भाई, लाड में आ रहा है फिरॉक्स, ए बम चिकी चिकी बम बम फेंके जा रहा है गाइस। चलो तो गाइस आपको हमारा ये प्यारा सा राम दुलारा सा और एकदम खतरनाक वाला लगभग 200 मिलियन डैमेज देने वाला जो डार्क ग्रिफिन है ना गाइज, ये कैसे लगा भाई मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। ग्रिफिन कलेक्शन कंप्लीट करने के लिए अभी तक 4 या 5 और ग्रिफिन पर टेम करने बाकी है। आज एक और ग्रिफिन जो है ना, आज किसी एक एपिसोड में मैं एक और ग्रिफिन जो है ना गाइज अपना इलेक्ट्रिक ग्रिफिन भाई उसको टेम करने का काम जो है ना गाइज वो कर लूंगा, ताकि अपना ग्रिफिन कलेक्शन जो है ना वो थोड़ा कंप्लीट होने के नजदीक पहुंच जाए भाई, ठीक है। और अगर आज का एपिसोड आपको आर्क सर्वाइवल इवोल्व का प्राइमल फियर का पसंद आया होगा, हमारा ये ग्रिफिन डार्क वाला अगर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो मिलते हैं गाइस सबसे अगले एपिसोड में गाइस प्राइमल फियर के आर्क सर्वाइवल इवोल्व के। और गाइस इसका जेंडर जो है ना गाइस फीमेल है, तो इसके लिए फीमेल वाले नाम जो है ना गाइस जरूर से याद से नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस सबसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवोल्व के प्राइमल फियर के, और अगले एपिसोड में अपन बॉस टेम करने वाले, जरूर देख लेना। और आने का फर्स्ट व्लॉग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देख लेना गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय गाइस। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were